आपने लॉगिन किया है thefirstnews.in। कोरोना वैक्सीन को लेकर जहां कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है, वहीं मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां वैक्सीन लगवाने के बाद शख्स की गंभीर बीमारी सही हो गई। इस शख्स का दावा है कि पिछले कई महीने से वह पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। कई जगह इलाज भी करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर निवासी अब्दुल मजीद खान ने सुबह 10:30 बजे कोरोना वैक्सीन लगवाई। उनका कहना है कि वे पिछले 6-7 महीने से पैरालिसिस से जूझ रहे थे। पैरालिसिस का असर उनके मुंह पर भी था, वे ठीक से बोल नहीं पाते थे। मजीद खान ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के सिर्फ आधे घंटे में ही उनकी ये बीमारी सही हो गई। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के कुछ देर बाद ही उनके लकवाग्रस्त अंगों में हलचल शुरू हो गई। जो अंग सुन्न थे, उन अंगों ने काम करना शुरू कर दिया। वैक्सीनेशन को माजिद खान खुद के लिए वरदान मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई डॉक्टर उनकी इस बीमारी को लेकर जवाब दे चुके थे, वे भी काफी परेशान थे। अब इस बीमारी से ठीक होने के बाद वे लोगों से वैक्सीनेशन की अपील कर रहे हैं। मजीद खान ने बताया कि उन्हें वैक्सीन लगवाने के बाद 75% तक आराम मिला है। उन्होंने बताया कि पैरालिसिस के कारण उन्हें बोलने में काफी समस्या हो रही थी, लेकिन अब वे सही तरीके से बोल भी पा रहे हैं। राजगढ़ जिला चिकित्सालय के डॉक्टर सुधीर कलावत का कहना है कि माजिद खान को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई थी। उन्होंने कहा कि मरीज का दावा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उसका पैरालिसिस सही हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश, दुनिया और क्रिकेट से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए thefirstnews.in।